आजकल की भागम भाग की जिंदगी और खाने पीने की तरीकों ने पेट के लिए बहुत सी परेशानियां खड़ी की हैं, जिसमें सबसे पहला और आंखों में खटकने वाली प्रॉब्लम है पेट का बाहर आना। चाहे कितनी भी अच्छे से तैयार हो, ये हमारी खूबसूरती पर बुरा असर डालती हैं। कोई भी ड्रेस पहने कम अच्छा लगता है, ऊपर से पर्सनालिटी पर भी इम्पैक्ट पड़ता है। ये तो गई बाहर की सुंदरता की बात, मोटापा हमारी शरीर के लिए भी हानिकारक है। ये समस्या कई रोगों को न्योता देती है। कॉन्स्टिपेशन, इंडाइजेशन, एसिडिटी जैसी बीमारी हमारी शरीर में जगह लेती है। इतना ही नहीं, वजन बढ़ने से आपके दिल पर भी प्रेशर पड़ता है। हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी जानलेवा बीमारी भी आपको अफेक्ट कर सकती है। तो इसलिए वेट को कंट्रोल में रखना ये फैशन नहीं नेसेसरी है। इसके लिए हेल्दी लाइफस्टाइल तो मेंटेन करना ही है, साथ ही अगर कुछ सिंपल सी फिजिकल एक्सरसाइज भी कर पाओ तो मजा आ जाएगा। किसी भी पार्टी में सबकी नजरें आपके ऊपर होगी, सब आपके सेक्सी फिगर का राज पूछेंगे और तब आप मुस्कुराते हुए अपने टोंड हाथों से इस वीडियो को शेयर कर देना, क्योंकि आज हम आपको कुछ ऐसे योगासन के बारे में बताएंगे जिसे 2 से 3 महीने रेगुलरली करने से आपकी बॉडी एकदम परफेक्ट शेप में आ जाएगी। जी हाँ, हम दावा कर रहे हैं, अगर सही तरीके से इंस्ट्रक्शंस को फॉलो किए तो पतली कमर पाने से आपको कोई नहीं रोक पाएगा, साथ ही पेट की हजारों समस्या होगी झट से गायब। तो और देर ना करके शुरू करते हैं आज का वीडियो, पर उसके पहले अगर आप फिगर कॉन्शियस हैं या एटलीस्ट हेल्दी रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल ज्ञानी जी हेल्थ को सब्सक्राइब करना तो बनता है, लगे हाथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर देना ताकि चैनल पर अपलोड हुई कोई भी वीडियो आपसे ना छूटे। आइए जानते हैं ऐसे 6 योगासन के बारे में जो कि ना सिर्फ पेट की चर्बी कम करेंगे बल्कि जानलेवा रोगों से भी आपको बचाएंगे। सबसे पहला आसन है पवन मुक्तासन। ये आसन पेट की चर्बी को घटाने में सबसे कारगर है, साथ ही पेट की हजारों समस्या से भी लड़ती है, जैसे कि गैस, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, पेट में जलन, भारीपन, पेट का फूलना, इन सब बीमारियों का एक सही इलाज है पवन मुक्तासन। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले पीठ के बल सीधे लेट जाइए, फिर लेफ्ट पैर के घुटने को मोड़ना है और जितना संभव हो सके उसे पेट के पास ले जाइए। अब सांस लेना है और सांस छोड़ते हुए अपने दोनों हाथों के उंगलियों को आपस में फंसाएं और घुटने के नीचे हाथ रख दें। अब घुटने को अपने सीने से लगाने की कोशिश करें और अब आपको अपना सर जमीन से ऊपर उठाना है और घुटने से नाक को छूने की कोशिश कीजिए। 10 से 30 सेकंड ऐसे ही रहिए, धीरे धीरे सांस छोड़िए और आराम से नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। अब यही प्रोसेस अपने राइट पैर से भी करना है। उसके बाद दोनों पैर से एक साथ इस आसन को कीजिए, तब एक चक्र समाप्त होगा। फिट रहने के लिए दूसरा शानदार आसन है सेतुबंधासन। इस आसन को ब्रिज पोज भी कहा जाता है। ये आसन आपको लटकती चर्बी से छुटकारा देगी और साथ ही अगर आप कमर दर्द से परेशान हो रहे हैं या फिर थायराइड, डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं तो भी इस आसन को जरूर कीजिए, चमत्कारी फायदे का आनंद उठा सकते हैं। अब जानिए इसे करना कैसे है। तो सबसे पहले पीठ के बल लेट जाए, फिर अपने घुटनों को मोड़कर अपनी रीढ़ को उठाकर 90 डिग्री का आकार बनाएं और फिर आराम से सांस अंदर बाहर छोड़े। जब तक संभव हो ऐसी पोजीशन में रहें, फिर नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। ये आसन हर दिन 3 से 5 बार करने से कमर दर्द से मिलेगी तुरंत राहत, साथ ही पतली कमर की तरफ आप एक कदम बढ़ा दोगे। हेल्दी रहने के लिए तीसरा आसन है नौकासन। ये आसन बेली फैट को दूर करने में सबसे सहायक है, साथ ही इससे पीठ की हड्डियां मजबूत होती हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी आती है। इस आसन को करने के लिए सबसे पहले सीधे होकर बैठें, इसके बाद अपने एड़ी और पंजे को मिलाएं और दोनों हाथ को कमर से सटाकर रखें। इस वक्त आपकी हथेली जमीन पर होनी चाहिए और गर्दन को सीधा रखना है। अब अपने दोनों पैर, गर्दन और हाथों को धीरे धीरे एक साथ ऊपर की ओर उठाएं। आखिर में अपने पूरे शरीर का वजन नितंब के ऊपर कर दें। ऐसे पोजीशन में करीब 30 से 40 सेकंड रुके, उसके बाद नॉर्मल पोजीशन में लेट जाएं। इसे हर दिन 4 से 5 बार करने से आपकी बॉडी टोन शेप में आती है। इसके अलावा रीढ़ की हड्डियां सीधी और मजबूत होती हैं। चौथा फायदेमंद योगासन है धनुरासन। अगर आप मसल्स पेन से परेशान हैं, जोड़ों के दर्द से छटफट आ रहे हैं और कोई भी दवाई से आराम की अनुभूति नहीं मिल रहा हो तो इस आसन को कीजिए। इसके लिए सबसे पहले पेट के बल लेटे, फिर घुटनों को मोड़कर हाथों से पैरों के पंजे को पकड़े। इसके बाद अंदर की ओर सांस खींचते हुए अपने सर, सीना और जंघों को ऊपर की ओर उठाएं।
कुछ देर इस पोजीशन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। पेट की चर्बी को गलाने के लिए ये आसन हर दिन 4 से 5 बार करें। हेल्दी रहने के लिए 5वां योगासन है भुजंगासन। ये आसन कोबरा पोज नाम से भी जानी जाती है। भुजंगासन से आपका पेट तो होगा सपाट, साथ ही बैक पेन, स्लिप डिसऑर्डर जैसी कई प्रॉब्लम का एक अनोखा समाधान है। आजकल की बिजी लाइफस्टाइल में ऐसी समस्या हर घर में किसी न किसी को रहती ही है, तो उन सबको भुजंगासन जरूर करना चाहिए। इस आसन को करने के लिए पीठ के बल लेट जाइए, फिर हथेली को कंधे की सिद्ध में रखकर अंदर की ओर सांस लें और शरीर के फ्रंट पोर्शन को उठाएं। 10 सेकंड तक इसी पोजीशन में रहें और फिर नॉर्मल पोजीशन में लेट जाएं। हर दिन 4 से 5 बार इस आसन को करें और जल्द से जल्द रिजल्ट पाएं। 6वां योगासन जो आपको करना चाहिए वो है बलासन। बेली फैट, लटकती चर्बी, ये शब्द आपको परेशान ना करें, इसलिए हर दिन बलासन को करें। इस आसन को करने के लिए घुटने के बल बैठ जाएं, फिर गहरी सांस लेते हुए आगे की ओर झुकें। इस दौरान आपका सीना जंघों से छूना चाहिए और माथे से जमीन को स्पर्श करें। कुछ सेकंड इस पोजीशन में रहने के बाद सांस छोड़ते हुए वापस नॉर्मल पोजीशन में आ जाए। तो अगर कुछ ही दिनों में अपने आप को परफेक्ट शेप में पाना है तो ये 6 आसन रोजाना प्रैक्टिस करें। 1 महीने डेडिकेशन के साथ ये 6 योगा करने से आप अपनी बॉडी में फर्क देख पाओगे। और जैसे कि पहले ही कहा, ये सारी योगासन सिर्फ आपको स्लिम दिखाने में मदद नहीं करती, पेट की 1000 समस्या से भी लड़ती हैं। तो हर दिन 15 मिनट निकाल कर इसे कीजिए। आशा करते हैं खुद को अट्रैक्टिव दिखाने के लिए इतना तो आप जरूर करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, हमारे साथ जुड़े रहें और अपने सभी दोस्तों तक इस वीडियो को फॉरवर्ड करें। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू वेरी मच।